औज़ुबिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ मेरे बहन भाई बुजुर्ग सभी तंदुरुस्त होंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ ईमान में होंगे। अल्लाह ने चाहा तो सभी से इंशाल्लाह इसी तरीके मुलाकात और अच्छी अच्छी वज़ाइफ़ के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा अमल भी मोहब्बत का अमल है, बहुत ही बाकमाल अमल है इंशाल्लाह। जो मेरा भाई इस अमल को कर लेगा वो अपनी मोहब्बत पा लेगा, इस कदर वो आपका महबूब आपको शिद्दत से चाहेगा कि आपके जहन में और गुमान में भी नहीं होगा कि इतनी शिद्दत वाली मोहब्बत मेरे महबूब की कहाँ छुपी हुई थी। ठीक है, उसके लिए जो अशिया चाहिए होगी वो मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। उसके लिए दोस्तों आपको चाहिए होंगे दो लौंग, ठीक है, देख रहे हैं आप, दो लौंग और साथ में नक्श, ठीक है, इस नक्श में आपने किस कदर इसको नक्श लिखने वक्त तसव्वुर अपने महबूब का और यहाँ पर बैक साइड पर दोनों खानों की बैक में एक इधर एक इधर खानों में नाम लिखना होगा और एक एक लौंग उन दोनों खानों में रखना होगा, देख सकते हैं इस कदर। और जो ये होगा खाना ये इसको जो अपने महबूब के नाम वाला लौंग होगा उस पर ऊपर तह लगानी होगी, ठीक है, और दूसरे को उसके ऊपर इस तरीके से और इसको फोड़ कर लेना, ये इस शक्ल में बन जाएगा। और इसको लिखना आपने बनाकर करना सोमवार के दिन होगा, ठीक है, सोमवार के दिन इसको आप कर सकते हैं बा खौफ होके। और इसके साथ जब आप ये अमल तैयार कर लेंगे, जब इसको आपने करना कैसे है वो मैं आप को बताता हूँ। कब्रिस्तान जाना है, ठीक है, दिन में जाएं कोई मसला नहीं, रात में जाएं कोई मसला नहीं, बस कब्रिस्तान जाने से पहले एक पाव गोश्त का, ठीक है, छोटा बड़ा जिस जानवर का मर्जी, मुर्गी का, मुर्गे का, कटे का, बकरे का, काफ़ी महंगा होगा वो कोई नहीं लेके करता, बाकी आप मुर्गी का छोटा भी बड़ा भी इसका सदका अदा करना होगा, इसकी ज़कात वो समझ लें पहले अदा करनी होगी। एक पाव लेके आपने इस अमल को सात मरतबा घुमाना, घुमाने के बाद, ठीक है, आपने अपने सिर से सात मरतबा फिर घुमाना है इस तरीके करके, ठीक है, और उसको जब कब्रिस्तान जाने लगे घर से निकलें, जब कोई भी ना आपको देख रहा हो उस वक्त आप सिर से उसको बैग फेंक देना और पीछे नहीं देखना, ठीक है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह तसव्वुर भरोसा अपने यार का महबूब होना चाहिए, अल्लाह ने चाहा तो आपकी मोहब्बत राया नहीं जाएगी और आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। नए अमल के साथ नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।